फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में हम पजल्स के बेसिक देखेंगे और अगली वीडियो से हम पजल्स करने स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अभी पहले इनमें से कुछ बेसिक देख लेते हैं जो पजल में हमारे यूज होते हैं बेसिकली। तो हमें पजल्स हमारे पास कैसी आती हैं, जो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास या तो दिया होता है रेक्टेंगल दे दिया जाता है, उसके एजिस पे पर्सन बैठे होते हैं, जैसे हमें 8 पर्सन दे दिए तो चारों एजिस पे दो दो पर्सन बैठे हैं, और क्या होता है या फिर हमारे हमें सर्कल दे दिया जाता है कि उसमें बोल दिया जाता है कि 6 पर्सन बैठे हैं, 8 बैठे हैं, 7 बैठे हैं। तो इसमें हमने चीज़ें ध्यान में क्या रखनी होती हैं, अभी जैसे मान लेते हैं हम ये वाला केस है, हमें रेक्टेंगल दिया गया चाहे सर्कल दिया गया, दोनों ये इनसाइड वाला केस है, फेसिंग इनसाइड वाला। तो इसमें क्या होता है, पर्सन होते हैं जो अंदर को फेस करके बैठे होते हैं, इस तरह सभी का फेस अंदर होता है। इसमें कैसे हो गया, यहाँ पे ऐसे, और हमें यहाँ पे बोला जाता है कि कोई पर्सन है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के सेकंड टू लेफ्ट पे बैठा है या इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है। तो पहले तो हमें देखना है कि इनमें हमने लेफ्ट राइट देखना कैसे है। तो अगर हम फेसिंग इनसाइड वाला केस है तो इसमें क्या होता है, हमारे पास क्लॉकवाइज अगर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वो लेफ्ट जाता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, राइट साइड में। सिमिलरली इस केस में क्या हो गया, अगर हम हमें लेफ्ट साइड बोला गया तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसमें भी ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, और ये कौन सी साइड हो जाएगी, इस पर्सन की पोजीशन हम मान लेते हैं फिक्स है, इस पर्सन से हम अगर लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट इस साइड को होगा क्लॉकवाइज, और अगर हम यहाँ से राइट बुलाओ तो राइट कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया, हमारे पास राइट हो गया। तो ये तो था इनसाइड वाला केस। अगर हमें बोला जाए कि पर्सन हैं जो फेसिंग आउटसाइड बैठे हैं, यानी उनका फेस कहाँ पे हो गया, ऐसे हो गया फेसिंग आउटसाइड, और सर्कल में कैसे हो गया, ये वाला, जैसे इसमें 4 पर्सन बैठे हैं फेसिंग आउटसाइड। तो फेसिंग आउटसाइड में क्या होता है, अगर हमें ये वाली बात, जो फेसिंग इनसाइड में था लेफ्ट था क्लॉकवाइज और राइट था एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में वो चीज़ ऑपोजिट हो जाती है, अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। सिमिलरली क्लॉकवाइज इधर भी हो गया सर्कल में, ये क्या हो गया हमारे पास, राइट हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया हमारे पास, लेफ्ट हो गया। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है, जैसे हमारे पास सर्कल दिया होता है तो सर्कल में अगर हमें बोला जाए कि नंबर ऑफ पर्सन जो बैठे हैं वो अगर वो इवन है तो हमें उनको सीधा आमने सामने बिठाना है, जैसे हमें 6 पर्सन दिए गए हैं तो हम उनको कैसे बिठाएंगे, आमने सामने बिठाएंगे एक दूसरे के, ताकि हम फेसिंग वाले बना सकें। तो जैसे हमारे पास ये क्या है, ये वाला पर्सन इस पर्सन को फेस कर रहा है, ये वाला पर्सन इस पर्सन को फेस कर रहा है, और ये वाला पर्सन इस पर्सन को फेस कर रहा है, हमने ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट बिठानी है। और जैसे हमें 8 पर्सन दिए गए हैं तो उसमें कैसे बिठाएंगे, हम सिंपली ऐसे पर्सन बिठाएंगे ताकि हम ये वाले पर्सन एक दूसरे के हम फेस कर दें, एक दूसरे को, ये वाला इसको फेस कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको। और अगर हमें नंबर ऑफ पर्सन और दिए गए हैं तो उसमें हम कैसे भी बिठा सकते हैं, जैसे हमने 5 पर्सन दे दिए तो उसमें क्या होगा, हमें बस ऐसे ही हमने बिठा दिए यहाँ पे, इनमें आमने सामने बिठाने की जरूरत नहीं है। इसमें हो सकता है कि इवन वाले केस में वो पूछ रहे क्वेश्चन में कि इसके एक पर्सन के सामने दूसरा पर्सन कौन बैठा है, तो इसलिए हमने उसमें हमेशा आमने सामने बिठाना है, जब हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन क्या दिए होंगे, इवन, और जब ओड दिए हुए हैं तो हम उसको कैसे भी बिठा सकते हैं। तो ये तो था हमारा थोड़ा बेसिक इसके लिए, और बाकी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं और उसमें थोड़ा हमें बेहतर पता चलेगा। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास 8 पीपल पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर। तो इसमें 8 पर्सन दिए हुए हैं पी से लेकर डब्ल्यू तक, और वो सारे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी अगर फेस कर रहे हैं तो वो फेसिंग इनसाइड ही बैठे होंगे, क्योंकि आउटसाइड में तो वो एक दूसरे को फेस कर नहीं सकते। आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। अच्छा, अभी हमारे पास कितने नंबर ऑफ पर्सन 8 दिए हुए हैं, तो हमने 8 पर्सन बिठा दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें हमने क्या बोला गया है, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। अभी हम आर और पी की पोजीशन फिक्स है, यानी पी, अगर हम पी को फिक्स कर देंगे तो उसके हिसाब से आर की पोजीशन फिक्स हो जाएगी, तो हम इसको बिठा सकते हैं। हमें यही पता कि सारे फेसिंग इनसाइड है, इनसाइड हमने फेस कर दिए, तो मान लीजिए हमने पी की पोजीशन यहाँ पे फिक्स कर दी, तो यानी आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, आर P
पी के सेकंड राइट पे है। अब मैंने क्या बताया था, अगर हम फेसिंग इनसाइड हैं तो राइट क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो पी के सेकंड राइट पे, यानी एक पर्सन छोड़ के दूसरा कौन हो जाएगा राइट साइड पे, आर, आर आ गया यहाँ पे। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, अभी यहाँ पे क्या आ गया, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, और बीच में क्या आ गया एंड, यानी इसके बाद भी आर की ही बात चल रही है। और आर के क्या बोला गया आर के बारे में, आर इज थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो ये वाली पोजीशन है वो किसके लेफ्ट पे है, क्यू के। और कितना लेफ्ट दिया गया है, थर्ड लेफ्ट, यानी हमें लेफ्ट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी क्यू यहाँ पे कहीं पे बैठा होगा इस साइड में, जो कि ताकि आर यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड आ जाए उसमें। अभी हम देखते हैं अगर हम क्यू को यहाँ बिठाएं तो एक दो तीन, तो क्यू के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट में आ गया आर, तो आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ये वाली स्टेटमेंट हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें क्यू के बारे में क्या बोला गया है, क्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, यानी ये वाला क्यू वी के लेफ्ट में बैठा है, तो वी हमारा यहाँ पे बैठा होगा, तभी ये वाली पोजीशन है क्लॉकवाइज गए इसके सेकंड लेफ्ट पे बन गई। आगे क्या बोला हुआ है, एस एंड वी आर डायगनली ऑपोजिट, अभी हमें क्या बोला गया, जो एस और वी हैं डायगनली ऑपोजिट बैठे हैं। अब अभी हमें देखना है कि वी के ऑपोजिट पोजीशन कौन सी है, तो वी के ऑपोजिट ये वाली पोजीशन है, तो एस यहाँ पे आ गया। और सिमिलरली हमें आगे बोला गया है यू इज नेबर ऑफ एस, यू एस का नेबर है। अभी देखो एस की नेबर दो पोजीशन है, एक तो ये वाली एक ये वाली, यहाँ पे तो आर पहले ही बैठा है, तो यू की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। और टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, अच्छा देखो हमारे पास दो पोजीशन खाली हैं, और टी हमें क्या बोला गया है, टी डब्ल्यू के लेफ्ट में बैठा है थर्ड लेफ्ट में। अगर हम डब्ल्यू को यहाँ बिठाते हैं तो एक दो तीन, ये वाली सब कंडीशन सही हो रही है, क्लॉक वाइज जाना है और टी थर्ड लेफ्ट में बन जाएगा डब्ल्यू के। अगर हम डब्ल्यू को यहाँ बिठाते हैं तो ये वाली पोजीशन तो राइट में आ गई, तो हम टी को यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि ये राइट में है, तो डब्ल्यू को यहाँ बिठा दिया और टी हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हमारी बन गई फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट। सो ये पजल्स का कुछ बेसिक था, अगली वीडियो से हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे जो प्रीलिम्स लेवल के होते हैं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।